Hello and welcome back to our YouTube channel Go for Agriculture. So today we are going to study about the next topic of plant pathology. Forecasting of disease. So आज के लेक्चर में हम forecasting of disease पढ़ेंगे जिसमें फार्म forecasting करने की क्या नीड होती है, कौन फॉरकास्टिंग करता है, जो फॉरकास्टिंग करते हैं उनके पास क्या क्या नॉलेज अवेलेबल होनी चाहिए और फॉरकास्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं. ये तीन चार टॉपिक हैं जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फॉरकास्टिंग ऑफ डिजीज़. प्लांट डिजीज़ फॉरकास्टिंग इन्वॉल्व्स ऑल द एक्टिविटीज़ इन असर्टेनिंग एंड नोटिफाइंग द फार्मर्स इन एन एरिया कम्युनिटी दैट द कंडीशन आर सफिशियंटली फेवरेबल फॉर सर्टेन डिजीज़ that application of control measure will result in economic gain or that the amount of disease expected is unlikely to be enough to justify the expenditure of time, money and energy for its control. So, इस पैराग्राफ के थ्रू हम ये कहना चाह रहे हैं कि फॉरकास्टिंग की ज़रूरत क्या होती है और फॉरकास्टिंग क्या करता है. फॉरकास्टिंग करता है फार्मर्स को, वो बेसिकली नोटिफाई करते हैं कि ये जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं या फिर जो ये आपने जो क्रॉप लगाई है वो इस वाले डिजीज़ के लिए फेवरेबल है, ठीक है, और हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि जो डिजीज़ है वो हमारे फार्म क्रॉप में ना लगे, उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं. तो कंट्रोल मेजर्स दिए जाते हैं उनको ताकि जो इकोनॉमिक गेन है, ताकि जो यील्ड है किसी भी क्रॉप की वो कम ना हो, राइट. सो बेसिकली होता क्या है कि जो भी हमारे फॉरकास्टिंग वो होते हैं, मतलब बेसिकली क्या होता है, पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वही फॉरकास्टिंग कर सकते हैं और उनको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कम्प्लीटली किसी भी उसकी माइक्रोब की या किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो हमारी डिजीज़ कॉज कर रहा है, डिजीज़ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की उनको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है. तो उसमें नॉलेज में क्या है, बेसिकली उनको अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी आना चाहिए. अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी मीन्स हो गया कि जो उनकी लाइफ साइकिल है या फिर जो कंप्लीट उनकी साइकिल है, उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं, वो किस क्रॉप के लिए प्रोन है, तो वो सारी चीज़ें एक एपिडेमियोलॉजी एक फॉरकास्टिंग एजेंट को पता होना चाहिए. तो जो भी ऐसे एजेंट्स होते हैं, जो फॉरकास्टिंग एजेंट होते हैं, उन्होंने एपिडेमियोलॉजी अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी में अपनी हायर स्टडीज़ की होती हैं, राइट. सो प्लांट डिजीज़ फॉरकास्टिंग रिक्वायर्स कम्प्लीट नॉलेज ऑफ एपिडेमियोलॉजी दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इन प्लांट पॉपुलेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टन फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द होस्ट द पैथोजन एंड द एनवायरमेंट. ये ट्राइंगल जो था पैथोजन होस्ट एंड एनवायरमेंट का ट्राइंगल, ये हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था. तो जो कम्प्लीटली किसी भी पैथोजन का अटैक करना डिपेंड करता है कि कैसा एनवायरमेंट और क्या होस्ट है. अगर एनवायरमेंट फेवरेबल नहीं है तो पैथोजन वर्क नहीं कर पाएगा. अगर होस्ट जो है वो उसके लिए नहीं है तो वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैथोजन होते हैं, ऐसे डिजीज़ होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए होती हैं, पर्टिकुलर क्रॉप पे ही लगती हैं, ठीक है. तो वहाँ पे क्या है, अगर वो पर्टिकुलर क्रॉप नहीं है तो उनके लिए होस्ट फेवरेबल नहीं है, तो वहाँ पे वो डिजीज़ ग्रो नहीं कर पाएगी, राइट. सो फॉरकास्टिंग इज़ एक्चुअली द अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी. प्लांट डिजीज़ फॉरकास्टिंग इज़ मेड मोर रिलायबल इफ़ द रीजन्स फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज डेवलपिंग अंडर सर्टन कंडीशंस एंड नॉट अदर्स आर नोन, राइट. एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी टू शो दैट एग्जैक्टली वट स्टेज ड्यूरिंग द डिजीज डेवलपमेंट इज क्रिटिकल फॉर वेरिएबल इंसिडेंस और इंटेंसिटी ऑफ डिजीज, राइट. सो होता क्या है, पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं पहले ही पैथोजन पे कि कौन सी ऐसी उसकी लाइफ साइकिल की स्टेज है जहाँ पे वो डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है, और उसकी डिजीज़ कॉज करने की इंटेंसिटी क्या रहती है. डिजीज़ कॉज कोई भी प्लांट कैसे करता है, कोई भी पैथोजन कैसे करता है, ये हमने पहले पढ़ा था, राइट. तो अभी यहाँ पे है क्या, यहाँ पे सिर्फ वो उसकी इंटेंसिटी को चेक करते कि कितना ज़्यादा जल्दी कोई भी पैथोजन अपने आप को मल्टीप्लाई कर पा रहा है, जितना कितना ज़्यादा जल्दी वो एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप पे जा रहा है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा रहा है, ठीक है, जिसमें हमने पहले पढ़ा भी था प्राइमरी इनोक्युलम एंड सेकेंडरी इनोक्युलम, हमने ये दोनों चीज़ें पढ़ी थी. तो वही यहाँ पे बात की जा रही है कि इंटेंसिटी किस तरह से बढ़ रही है, क्या इंटेंसिटी है किसी भी पैथोजन के
इन्फेक्ट करने की, ठीक है। अ टाइमली एंड रिलायबल फॉरकास्ट गिव्स द फार्मर्स मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम दैट ही कैन वे द रिस्क, ठीक है, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ हिज पॉसिबल डिसीजन। तो उनको एक प्रॉपर टाइमली अगर बता दिया जाए कि इनको उनको ये रिस्क है, तो वो अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंग, अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। मे बी उनको बहुत अर्ली स्टेज में बता दिया जाए तो वो क्या करेंगे, जितने भी प्लांट्स पे ऑलरेडी डिजीज़ दिख रहा है, पैथोजन दिख रहा है, सिर्फ उन प्लांट को इरेडिकेट कर देंगे, ठीक है, जो फिजिकल मेथड बेसिकली होता है, उन प्लांट्स को निकाल देंगे ताकि और प्लांट को अफेक्ट ना करे, राइट। अगर कोई डिजीज़ सॉइल बॉर्न है, ठीक है, और वो किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए है, तो वो क्या करेंगे उस टाइम पे, उस क्रॉप को ना लगा के कोई और क्रॉप लगाएंगे, मे बी वो कोई ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप लगा लें, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, लेकिन सन हम्प लगा लें या ढेंचा लगा लें, तो फिर क्या होगा, वो जो हमारा पैथोजन है उसको ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी, तो वो वहाँ पे मर जाएगा। जैसे उसकी लाइफ साइकिल का टाइम ख़त्म होगा वो मर जाएगा, तो वो अपनी जो एक मेन क्रॉप है उसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है, यही काम होता है किसी भी फॉरकास्टिंग एजेंट का, जो फॉरकास्ट करके उन्हें बताते हैं कि आप इस टाइम पर ये वाली क्रॉप ना लगाएँ, ताकि कोई क्योंकि यहाँ पर ये पैथोजन अटैक कर सकता है, इस एरिया में ये पैथोजन है, राइट। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस ऑफ प्लांट डिजीज़ फॉरकास्टिंग। क्यों हमें डिजीज़ फॉरकास्टिंग की ज़रूरत है, अगर हम मतलब स्टार्टिंग का अगर हमने ध्यान से सुना होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हो कि हमें रिक्वायरमेंट्स क्यों है। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आती हैं, सबसे पहला है कि यील्ड को बचाना है हमें, है ना। किसी भी क्रॉप की इकोनॉमिक, अगर हम इकोनॉमिक गेन कम कर देंगे तो हमें लॉस होगा, राइट, क्योंकि हम प्रॉपर सीड्स लगा रहे हैं, हमारा सीड्स पे पूरा खर्चा हो रहा है, हम पूरी इरिगेशन कर रहे हैं, हम उसके बाद पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, हर्बिसाइड डाल रहे हैं, हम खर्चा पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमें यील्ड उतनी नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे हमारा लॉस होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा है, ये सबसे मेन रिक्वायरमेंट है प्लांट डिजीज़ फॉरकास्टिंग के लिए। अब इसको रीड आउट कर लेते हैं एक बार। द डिजीज़ मस्ट बी कॉजिंग इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट डैमेज इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी को भी ख़राब करता है क्रॉप की, और क्वालिटी को भी ख़राब करता है। ऑफ द प्रोड्यूस इन द एरिया कंसर्न्ड, द ऑनसेट स्पीड ऑफ स्प्रेड एंड डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ द डिजीज इज वेरिएबल मोस्टली ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन द वेदर विच इज़ वेरिएबल, राइट। मैंने ये पॉइंट भी बताया था कि जो डिस्ट्रक्टिवनेस है, फिर जो स्पीड है उसके स्प्रेड होने की, उसके बढ़ने की, वो भी डिपेंड करती है। अगर वो स्लो है, ठीक है, तो क्या होता है कि हम वहीं की वहीं क्रॉप को निकाल देते हैं, ताकि आगे नेक्स्ट क्रॉप पे वो इफेक्ट ना करे, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी को अफेक्ट ना करे। और ये सब चीज़ें डिपेंड किस पे करती हैं, वेदर पे डिपेंड करती है कि क्या वेदर है। जैसे वेदर चेंज होता है, वैसे ही जैसे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा चाहिए होता है उनको, मोस्टली ऐसे पैथोजेंस होते हैं जिनको मॉइस्चर कंटेंट अपने ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ साइकिल के लिए ज़्यादा चाहिए होता है। अगर मॉइस्चर कंटेंट कम है तो वो ग्रोथ थोड़ा स्लो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल मेजर्स आर नॉन एंड कॉल्ड बी इकोनॉमिकली अप्लाइड बाय द फार्मर्स व्हेन टोल्ड। बेसिकली क्या होता है कि कंट्रोल मेजर्स जो होते हैं वो हम फार्मर्स को बता देते हैं, ताकि उनका उसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर बना, उसमें एक्स्ट्रा खर्चा ना हो कि वो पेस्टिसाइड्स वगैरह अप्लाई करो और लास्ट में परेशान हो कि अभी भी हमारी क्रॉप मर गई है, ठीक है। वेदर कंडीशन ड्यूरिंग इंटरक्रॉप पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ प्राइमरी इनोक्युलम। जब इंटरक्रॉप पीरियड होता है तो उस टाइम पे वेदर की कंडीशन किसी भी प्लांट पैथोजन के लिए कैसी रहती है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब इंटरक्रॉप पीरियड होता है तो प्लांट के जो पैथोजन्स होते हैं उनके लिए सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा ही फेवरेबल कंडीशन होती हैं, क्योंकि उस टाइम पर मोस्टली विंटर्स होते हैं, कोल्ड मंथ्स होते हैं, तो जो पैथोजन होते हैं, जो वैक्टर्स होते हैं, वो उस केस में ज़्यादा फेवरेबल होते हैं किसी प्लांट पे अफेक्ट करने के लिए। जैसे उसका एग्जांपल है हमारे पास स्टुअर्ट विल्ट ऑफ कॉर्न। कॉर्न की जो डिजीज़ होती है वो उसी टाइम पे इंटरक्रॉप के टाइम पे सबसे ज़्यादा फेवरेबल होती है। अगर उस टाइम पे लग जाती है तो कॉर्न वो प्रॉपरली ख़राब कर देती है, ठीक है। और बेसिकली ये डिजीज़ क्या होती है, दे आर द बीटल्स एंड द वैक्टर्स। वैक्टर्स होते हैं जो किसी भी ऐसे पैथोजन को लेके आते हैं, वो मतलब एक तरह से मिडल मैन का काम करते होते हैं। An assessment of vector population at the onset of spring gives an indication of the extent of survival of the vector through the cold months.
ठीक है, तो होता क्या है कि जो भी कोल्ड मंथ्स होते हैं उसमें जो वेक्टर है उसके जो सर्वाइवल, मतलब बेसिकली उसके एक सर्वाइवल को एक एक्सटेंशन मिल जाता है, क्योंकि जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है तब पहले वो क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं ऑलरेडी प्रेजेंट. स्प्रिंग सीजन आते हैं उनको एक एक्टिव एनवायरनमेंट मिल जाता है खुद के सर्वाइवल के लिए, तो वो क्या करता है पैथोजन को लेके होस्ट के पास पहुंच जाता है. नेक्स्ट इज वेदर कंडीशन ड्यूरिंग क्रॉप सीजन. जब क्रॉप हो रही होती है तो क्या कंडीशन रहती है वेदर की, क्रॉप जब ग्रो कर रही होती है या फिर जो कटिंग हार्वेस्टिंग का सीजन होता है उस टाइम पे मोस्टली मॉइस्चर और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसका लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो जो एयरबॉर्न डिजीज़ है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाती है, उनका सर्वाइवल ज़्यादा अच्छे से हो पाता है. सीवियर आउटब्रिक्स आर लाइकली टू अकर इफ सर्टन कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर लेवल आर अवेलेबल फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, बहुत ज़्यादा सीवियरिटी भी इसी टाइम पे होती है, क्योंकि ज़्यादातर एयरबॉर्न डिजीज़ जो होती हैं वो इसी टाइम पे ग्रो करती हैं, और एयरबॉर्न डिजीज़ काफ़ी सारी होती हैं. दिस रिक्वायरमेंट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिजीज़. हर डिजीज़ के लिए अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है कि कितने टेम्परेचर पे कितने मॉइस्चर पे वो अपने अपने आप को ग्रो कर पाएगी, कितने मॉइस्चर पे उसकी लाइफ साइकिल कंटिन्यू कर पाएगी. अमाउंट ऑफ डिजीज इन द यंग क्रॉप. अब जो यंग क्रॉप्स हैं उसमें जो डिजीज़ है उसका क्या अमाउंट होता है, मतलब बेसिकली क्या होता है, यंग क्रॉप्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसीलिए जो डिजीज़ होती है वो वहाँ पे ज़्यादा जल्दी अटैक करती हैं. ठीक है, एक्सटेंट ऑफ डिजीज डेवलप्ड इन द यंग क्रॉप में ओकेजनली प्रोवाइड अ रिलायबल इंडिकेशन ऑफ द लाइकली सीवियर डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज इन द मेच्योर क्रॉप, दैट इज लीफ रस्ट ऑफ व्हीट. उसका एक एग्जाम्पल है लीफ रस्ट ऑफ व्हीट. द यंग क्रॉप मोस्टली गेट्स इन्फेक्टेड फ्रॉम ओवर विंटरिंग. ओवर विंटरिंग की वजह से यंग क्रॉप जो होती है ज़्यादा जल्दी इन्फेक्ट हो जाती है. द अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन एट ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग ऑफन डिटरमाइंस द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ दिस डिजीज एज द वेदर फॉलोइंग इज जनरली फेवरेबल. तो बेसिकली वही है, घूम फिर की सारी बात वेदर पे आ जाती है. वेदर अगर हमारे लिए फेवरेबल होगा तो डिजीज का लगना फॉर श्योर है ही है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड इसकी पीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.